अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ खास मेहमान और साबिक MLA जनाब फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आन करीब चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है और उसी का माहौल एक तरह से पूरी रियासत में देखा जा रहा है। कई सारे तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो लिहाजा कई सारे सवालों के साथ आज हमारे ख़ास मेहमान जनाब फिरोज़ सेठ साहब से हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल सर, जैसे कि असेंबली चुनाव है अभी हाल ही में, एक माहौल देखा जा रहा है सर चुनाव को लेकर, कई सारे नाम भी आ रहे हैं, कई सारी पार्टियां भी यहां पर सरगर्म होती नज़र आ रही हैं और आप भी चुनाव में कंटेस्ट करने वाले हैं, सभी की ज़बानों पर है और आपका 10 साल का अरसा भी लोगों ने देखा है, तो लिहाजा फिर से एक बार आप मैदान में उतर रहे हैं, तो आप इस चुनाव के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे सर? तो चुनाव तो हर 5 साल को आते ही रहते हैं और हर 5 साल में एक एक नया नया नैरेटिव, एक नया प्रॉब्लम और एक नए सॉल्यूशन की बात लोग करते हैं, आंस दिलाते हैं, चांद दिखाते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि काम देखा जाए कि लोगों का काम हुआ है कि लीडरों का ही काम हुआ है सर, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉन एवरीवेयर, हर हिंदुस्तान के कोने में लोग यही देख रहे हैं कि भाई वादे बहुत हो रहे हैं लेकिन हालात किसी के नहीं सुधर रहे हैं। एक कम्युनल एंगल से, एक रिलीजियस एंगल से, एक फाइनेंशियल एंगल से, हाँ, किसी को कोई मारे जैसा कर रहा है तो कोई बचाए जैसा कर रहा है, दोनों एक ही कॉइन के दो साइड के फेसेस है और ख़ास करके अकलियतों पे ये चला है, दलितों में भी काफ़ी सालों से यही चलते आया है। अब वो थोड़े देर के लिए उनके साथ में मेरे ख्याल से पॉज पे रखा है बटन, अब ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे एक एक्सपेरिमेंट चालू है। जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, नए पार्टियों का सवाल है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। 2018 में हमने जो स्टडी किया, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी आए, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार थी, ये देखा गया कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेस के आपसी इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से काफ़ी सीटें कांग्रेस गंवाई हैं। और ये हम हमेशा कहते हैं कि भाई एक नेशनल पार्टी हमेशा, जैसे कि समझो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो अलग अलग विंग्स हैं, उनकी RSS है, बजरंग दल है, राम सेना है, उनका काम वो कर रहे हैं। अभी जब तक हमको वो गाली देते आए हैं तब तक उनको वोट मिलते आए हैं, मगर एक बात हैरान करने की है कि उनके जो लोग हैं वो दे आर इम्प्लांटेड इन कांग्रेस ऑल्सो। और हमारे एक पार्टी में भी बहुत से इम्पोर्टेंट जगहों पे ये बैठे हैं, बैठे हुए, नहीं तो 17 लोग जो चले गए, क्या वो एक दिन का चलो ब्रेकफास्ट किया और चलो हम पार्टी छोड़ रहे, ऐसे तो नहीं था। दिस वॉज ए वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ हुआ, चल रहा है हर तरफ। हमें उससे भी बचना है, लोगों को पहचानना है। अब लोगों को पहचानने का तरीका एक कॉन्स्टिट्यूंसी वालों का यही है कि भाई ये शख्स हमारे बीच में कब से है, उसके खानदान की हिस्ट्री भी तो होती है, पीछे आया तो लोगों का काम हुआ कि इसकी दौलत बड़ी, वो भी तो लोग देखेंगे, अब देखना चाहिए। तो दीज आर थिंग्स विच ये बार मेरे ख्याल से लोगों का थोड़ा नज़रिया चेंज होगा, ऐसे लग रहा है, मालूम नहीं होगा नहीं होगा। मैं बीच में बात रखूँगा सर, कुछ आपके कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस छोड़कर जब BJP में जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर कहते हैं कि नहीं, मैं बचपन से RSS में था, मैं चड्डी पहन कर घूमता था, तो इस तरह की बातें आती है, तो ये आइडियोलॉजी कुछ रही नहीं रही, क्योंकि कब गांधीवादी शख्स जाकर गोडसेवादी बन जाता है, तो ये कांग्रेस के अंदर ये ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो शुरू भी नहीं हुआ यहाँ पर जो है, कमल आप BJP जोड़ो की बात होने लगी, 8 लोग चले गए गोवा से।
अब बदकिस्मती है समझो इसको, मिसकैलकुलेशन समझो, या ये लोगों पे एक तरीके का खौफ जो बना है, जो डराए जा रहे हैं कुछ लीडर्स, ये भी है। और हो सकता है कि बेसिक आइडियोलॉजी उनकी कुछ और थी और यहाँ आके सत्ता के लिए जम गए थे और फिर जब वक्त आया तो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले गए रहेंगे। दीज आर थिंग्स हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, मगर एक बार जानने के बाद में कि आइडियोलॉजिकली अगर सही माने में ईमानदारी से एक आइडियोलॉग है और एक आइडियोलॉजी है तो वो चेंज नहीं होती, इट डज नॉट चेंज। सडनली एक अच्छा खासा आदमी कम्युनर नहीं बनता है, इट डज नॉट हैपन, इट टेक्स टाइम। उसको बचपन से ट्रेनिंग या उसके डीएनए में वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता है असर। और अब वो इंडिविजुअल थॉट्स है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, लोगों को समझना है कि उनको क्या चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो भारत के संविधान के तहत चल करके वतन को, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, यहाँ के नौजवानों को मौका मिले, तरक्की मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सबकी, ये सोच है क्या? खुद पावर में ही रहे, कैसे भी करके पावर में रहे, जुगलबंदी चलते ही रही, वो फिर उसमें वतन और देश प्रोग्रेस नहीं करता सर। कि अभी जैसा अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, आपने भी कहा कि हिजाब का मामला हो, हलाल झटका, फिर जो है मॉब लिंचिंग के कई सारे मामलात हुए कर्नाटक में, तो आए दिन इस तरह के मामलात पेश आते रहते हैं मस्जिदों के सामने, फिर ढोल ताशे बनाना, भगवा परचम लगाना वगैरह। ये हिजाब के मामले को इतना तूल दिया गया, अदालतों तक पहुंचा मामला, लेकिन यहाँ बेलगाम ज़िला में हमने कभी कांग्रेस के उन लीडरों को सामने आकर बेबाकी के साथ, हाँ ये संविधानिक हक है उनका और ये होना चाहिए, यह गलत है, ये कहते हुए नहीं देखा गया। जबकि कुछ लोग मुसलमानों के हिमायती बनने का जो है एक ढोंग रचते हैं, मैं ढोंग कहूँगा इसे। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, उनके क्या वजाहत है जो खुल के नहीं बोल पाते या बोलते हैं और फिर कवर नहीं होता न्यूज़ में या छोटे छोटे महलपुर फिल्म में बोलते हैं, हम नहीं जानते ये सब। इट इज़ टू मच, एक बड़ा सवाल है ये, और पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखो आज की तारीख में रियलिस्टिकली, तो हम टारगेटेड हैं उसमें कोई शक नहीं है। हिजाब एक फॉर्मल, मेरे हिसाब से तो एक फॉर्मल ड्रेस है, एक रिस्पेक्टेबल गारमेंट है जो मॉडेस्टी के लिए कह लिया, एक औरत एक बच्ची अपने सर को कवर करती है, और ये पुराना ट्रेडिशन हिंदुस्तानी भी है, जिसको हम पवल पलो कहते हैं, घूंघट कहते हैं, सर पे लेना बड़ों के सामने, ये एक रिवाज है। अब इसको इशू कैसे बनाएं, इसमें एक्सपर्ट्स हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको डिफेंड करने में डरते हैं कि भाई कहाँ हिंदुओं को बुरा लग जाएगा, इनको हम डिफेंड करेंगे, तो ये भी हो सकता है। वो कमज़ोर लोग हैं, दे आर वीक पीपल। मगर हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब ने खुल करके काफ़ी बातें की हैं, ही हैज स्पोकन वेरी ओपनली इन डिफेंस ऑफ ए कल्चर। हम जिले की बात, हाँ अब जिले में मालूम नहीं, आई कैन नॉट से उतना नेशनल न्यूज में जिले वाले आते भी कहाँ है, लोकल सोशल मीडिया में जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी है, उनको निभाना भी चाहिए और लोगों ने देखा भी है, और हो सकता है लोग जवाब भी देंगे, ऐसे नहीं कि लोग जवाब नहीं देंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे, हमसे भी करते हैं, हाँ उनसे भी करेंगे, दे विल डू इट जहाँ जहाँ उनको लगता है कि एक सवाल उठाना है तो सवाल आलिम उठाएंगे, उलमा उठाएंगे, जमात के लोग उठाएंगे, समझदार तबका जो है वो ज़रूर उठाएगा। जो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके एहसानों पर टुकड़ों पर जो पलता है, वो कैसे बात करेगा, वो तो करेगा नहीं, वो खास दो लाखों में एक दो चार होते हैं, वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सर एक और मसला, अगर रियासत कर्नाटक का हो, फिर आसाम में कई मदरसों को शहीद किया गया, गिराया गया,
कर्नाटक, ये उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ भाजपा की हुकूमत है वहाँ वहाँ हमने देखा है कि अब जो है मदरसों के सर्वे की बात चल रही है। वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जो है सेंट्रल को दिया जाए मोदी हुकूमत में, वो अपने कब्जे में लेने की वगैरह अलग अलग बातें हैं। लिहाजा कुल मिलाकर मुस्लिम माशरा ही निशाने पर है। ये मदरसों का जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है सर, इस पर आप क्या करेंगे? क्या वाकई मदरसों को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या तालीम के नाम पर मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है? आप मदरसों के बारे में क्या? देखो, एक मुसलमान का ओपिनियन और एक नॉन मुस्लिम की जानकारी, इंफॉर्मेशन। अब पहले सवाल तो ये उठता है कि हम सब मुसलमान मिल कर के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने कभी समझाया है क्या? हमने अगर नहीं समझाया तो कुछ हद तक हमारी भी गलती है और हो सकती है, मगर मासूमियत में लगता है कि भाई इसमें समझाना क्या है, इट इज़ एन ओपन थिंग, खुले दरवाजे के चीज़ है, अंडरस्टूड है। मगर आज वैसे नहीं है। जो नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई वहाँ अंदर क्या होता है, ये दिन में 5 बार मिलते हैं, अंदर क्या खिचड़ी पकती है, एक चलाता है वो शातिर है। हाँ, और चलाने वाला और बात करने वाला दोनों कुछ उसमें, हम जिन पे भरोसा करते हैं वो लोग भी होते हैं। वो तो देखो, आपके बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, डोंट वरी आई एम देयर तो कभी रहता ही नहीं है। वो अलग बात है। लेकिन मैं आपके ज़रिए आज बताना चाहूँगा एक छोटी सी बात लोगों को, ख़ास करके नॉन मुस्लिम्स को जी, कि हमारे मज़हब के जो फाउंडेशंस, जो पिलर्स हैं, माई फेथ इज फुल्ली कंसिस्टिंग ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। क्या है उसमें? सबसे तो पहले मेरा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आई बिलीव इन वन गॉड, एंड दैट्स इट। बराबर है। आई बिलीव इन द कमिंग ऑफ द लास्ट प्रॉफिट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरुन नबी आए, उनके ज़रिए हमें कुरान शरीफ उनके तो नाजिल हुआ और हमें उससे मालूमात हुई हमारे मज़हब की, उनके लाइफ हदीसों में बयान हुई, उनकी हिस्ट्री, जीने का तरीके को हम सुन्नत कहते हैं, तो वो हमारे ऊपर वो सुन्नत है। अब इसमें कहीं भी नहीं कि भाई आप किसको मारो उसको, हमें तो कहा गया कि भाई आप सबको अपने सीने से लगाओ, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, एंटी स्लेवरी, विमेंस राइट, ये तो तब एस्टेब्लिश हुए जब इस्लाम आया। कोई पढ़ा नहीं और कोई इसके बारे में जिक्र किया नहीं। अब मुसलमान पे फ़र्ज है कि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़े, मर्दों पे फ़र्ज है कि वो जमात से पढ़े, और बहुत सारे ये फ़र्ज़ अदा करते हैं। अब मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ही है तो फिर इमाम साहब तो चाहिए है, क्योंकि उनके ताबे फ़र्ज नमाजें होती है, और सुन्नत और नफिल अदा करने का तरीका आलिम सिखाते हैं बचपन से या घर में सीखते हैं। मगर ये मदरसों में बेसिक एजुकेशन ऑफ इस्लाम, देन मौलवियत, उसमें फिर हाफिज़ है और मुहद्दिस है, ये सब तैयार होके स्कॉलर्स तैयार होते हैं, हमें हमारे ज़िंदगी में इस्लाम फॉलो करने का तरीका सिखाते दिखाते। बेलगाम शहर में 200-250 मस्जिद है, तो हमें कम से कम 500 लोग तो चाहिए। तो ये बनाने की ट्रेनिंग ग्राउंड्स ये है, मदरसा है, और बहुत ही सिंपल बिल्डिंग्स में, बहुत ही सिंपल लाइफ में, मुसलमानों के चंदों पे ही चलने के ये इंस्टीट्यूशंस है। बहुत गिने चुने मदरसों को एड है फॉर टीचर्स, ऑफ नॉट फॉर बिल्डिंग्स, नॉट फॉर लैंड, ओनली फॉर टीचर्स, बहुत ही मे बी 10% और 5%, और लोग इसको सवाब का काम समझते हैं, एक मस्जिद खड़े रह के बांधना बगैर किसी की ज़मीन इनक्रोच किए हुए, खुद के पैसे से, खुद का पैसा, मालिक की इजाज़त से, मेहनत के पैसे से मस्जिदें खड़ी होती हैं, और उसमें बहुत ही कम कमाने वाले से लेकर के बहुत ही अमीर आदमी तक उसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है। ही कंट्रीब्यूट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क्स एंड द रनिंग ऑफ द मॉस्क्स।
बराबर है। तो ये जो सिलसिला है, उनकी तनख्वाह है, इस सेटिंग अप ऑफ मदरसास है, टीचर्स है, कुछ स्कॉलर्स अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक हिस्सा जो ज़कात हम पे कंपलसरी है वो ज़कात के थ्रू भी चलता है, हदीये के थ्रू भी चलता है, तोहफे के थ्रू भी चलता है। और लेकिन ज़कात तो फ़र्ज है ही है, तो जो साहिब हैसियत है वो जो उसके दायरे में आते हैं वो करते हैं। अब हज फ़र्ज है, हज के पीछे लग कर के लोगों ने कहा अपीजमेंट है, अपीजमेंट है, हमने देखा क्या अपीजमेंट है, हमें तो समझ में आया नहीं है आज तक। मगर आज भी सरकार ने जो भी फैसिलिटीज विड्रॉ की है उससे ज़्यादा लोग तो जा ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सिलसिला ता कयामत तक चलता ही रहेगा। मुसलमान बहुत कम आप देखो तिजारत के अलावा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो छोटे में छोटा रोड साइड पे बैठ के व्यापार करे या थोड़ा बड़ा करे या उससे बड़ा करे, मगर ईमानदार से करना उसका फ़र्ज़ है। और सबसे बढ़ के उसको जो हुक्म है वो वतन परस्ती की है, ही इज़ मोस्ट लॉयल टू हिज कंट्री। मगर ये नैरेटिव चलाया जाता है क्योंकि एक हिस्टोरिकल एबरेशन है जो ये वतन को बांटा गया मज़हब के नाम पे, जिसके में जो हिंदुस्तान में मुसलमान आज है वो ज़िम्मेदार नहीं है, इतना याद आप रखिए। वो ये माहौल में रहना चाहता था, वो यहाँ रह गया है। हाँ, करने वाले करके चले गए और बर्बाद भी हो गए, हम देख रहे हैं क्या हालत है वो वतन की। और यहाँ वाला जो है इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वफादार, पेट्रियाटिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में मोस्ट पेट्रियाटिक इंसान अगर कोई है तो वो मुसलमान है, जो अपने वतन से प्यार करता है, अपने फ्लैग से प्यार करता है, अपने गली से प्यार करता है। और साथ साथ ये भी कहूँगा मैं आपसे कि ये जो अभी माहौल चला है ये कम्युनल, ये कभी नहीं था हिंदुस्तान, इट वॉज नॉट देयर। ये तो किसी का एजेंडा पूरा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का, कि एक मारने को देख रहा है, एक बचाने को देख रहा है, ये चला है नैरेटिव। लेकिन बेसिकली मेरे हिंदू भाई जितने भी हैं, मैं बड़ा हुआ हूँ यहीं शहर में, उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ हूँ, सक्सेसफुली बिजनेस कर चुका हूँ, बड़े प्यार से रिस्पेक्ट से हमें यहाँ पे देखा गया है, सपोर्ट भी किया गया है, आज भी करते हैं। ये लोग हमें नफरत नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। इनको एक गलत डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि आपको खतरा है, इनसे खतरा है, उनसे खतरा है। ये बड़े शातिर लोग हैं और मासूम लोग बड़ों को थोड़ा बिलीव करते भी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझाएं कि भाई आओ हमारे मस्जिदों में आके बैठो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे तरीके से आप नमाज़ पढ़ें, नहीं, आप देखिए हम क्या करते हैं उतना ही समझिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं आपको, आप फॉलो कीजिए, देख के हमारे में अच्छाई जो है उतनी देख लीजिए, आप काफ़ी है देखने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, आवर डोर्स आर ओपन, ऑलवेज ओपन, वी हैव नथिंग टू हाइड, छुपाने जैसा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। आपके पास बुलडोजर है, आप चलाएंगे, वो ठीक है, कौन देखा है वो सही चलाया है, गलत चलाया, किसको मिला है, कोई नोटिस मिला, कोई स्टे ऑर्डर में, कुछ नहीं, चल रहा है। और न्यूज़पेपर आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो थोड़े बायस्ड तरीके के न्यूज़ दिखा भी रहे हैं, तो उसमें इंसान कन्फ्यूज। आज हिंदुस्तान में हर भारतीय कन्फ्यूज है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहा जा रहा है अच्छा हो रहा है, दिख नहीं रहा अच्छा होते हुए, कल भी घर में चावल नहीं था, आज भी नहीं है, मुझे घड़ी खरीदनी थी, मेरे पास तनख्वाह नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो ये जो बातें चली है, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां बनती जा रही है, वो 1,000-2,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे महीना 5-10 हज़ार रुपया मिलना मुश्किल हो गया है। तो दीज आर थिंग्स विच आर हैपनिंग। अब हम सही माने में अगर मुझे पूछे तो अगले 50 साल तक अपने अपने मज़हब को अपने अपने घरों में लॉक करके आप इबादत कीजिए, हाँ, दूसरों के बारे में बातचीत मत कीजिए, फ़क्र से सिर्फ अपने वतन की बात कीजिए,
माय इंडिया, माय भारत, माय हिंदुस्तान, यही सच्चाई है। अफसोस देखिए, अभी तो घर घर तिरंगा का नैरेटिव चला है हिंदुस्तान भर चला है। 5 साल पहले हमने बेलगाम शहर में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया हिंदुस्तान का, वो कभी हॉइस्ट हुआ ही नहीं और लोग पूछे भी नहीं, लोग नहीं डिमांड किए गए क्यों नहीं हुआ। तो वो मोहब्बत हमारे में है या नहीं है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो यू हैव टू नाउ इंस्टिल दैट काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म। अभी आपने जो है घर घर तिरंगा की बात कही, तो इनकी विचारधारा जो घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि जनसंघ क्या था। उन्होंने 52 साल से अपने दफ्तरों पे कभी तिरंगा नहीं लगाया, लेकिन अब वो तिरंगा की बात कर रहे हैं। तो यही लोग एक कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें से ये लोग जो अक्सर ये तबका जो है ये ज़हनी तौर पर उस तरफ मुतासिर भी हो चुका है, ये कैसे निकल सकता है सर, क्या है इसके लिए? दो बातें हैं, जैसे मैंने कहा, हम खुद एज मुस्लिम्स हम समझाने की कोशिश में शायद नाकामयाब हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं की होगी, मुझे जितनी कोशिश की ज़रूरत थी उतनी भी शायद नहीं हुई। और कोशिश जो करने जाते हैं लोग, उनके ऊपर उंगली उठाने की भी थोड़ी आदतें हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। आप हर बार किसी को उंगली उठा करके टीका करना ज़रूरी नहीं है। लेट यू लिव इन अ फ्री सोसाइटी, एक आज़ाद हिंदुस्तान है, ये सबका है, सभी को बराबर के हक है। मुझे समझना चाहिए कि भाई एक्स वाई जेड को थोड़ा कुछ चीज़ से बुरा लगता है तो मुझे उससे परहेज करना चाहिए, मुझे कोई चीज़ से बुरा लगता है तो उन्हें भी परहेज करना चाहिए, तब जाके एक घर चलता है। घर में भी तो ऐसे ही होता है ना कि यू लिव विद अ फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस, मगर एंड रिजल्ट और टारगेट क्या है कि एक खुशहाल फैमिली माहौल, वतन, शहर, गली, ये हो जहाँ औरत सेफ है, बच्चों को लगता है कि मेरा फ्यूचर, मैं ये सितारों को जीत के लाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं चांद तक पहुँचूँगा। दीज आर थिंग्स विच आर इमेजिनरी, मगर ऐसी बातें हैं। मगर आज के नौजवान को लगता है कि यार मैं कुछ भी करूँ लास्ट को कहाँ जाऊँगा, काम मिलता नहीं है, मेरे काम को रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे एजुकेशन में वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है जहाँ मुझे तो फी देना भी नहीं पड़ता, आई डोंट कैन नॉट अफोर्ड इट। तो जहाँ फोकस होना चाहिए लीडरशिप का, वो फोकस नहीं है, और ये फोकस को थोड़ा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कोई किसी कुछ कम्युनल फीलिंग्स लाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों लाते हैं मालूम नहीं है। वो कुछ वक्त के लिए माहौल बिगड़ता है, बाद में तो लोग साथ में ही रहते हैं ना, मगर वो बिगाड़ने वाले को हम ला के ऊपर बिठा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। आखिरी पैगाम क्या देंगे नौजवान? हम तो लोगों को कहेंगे कि भाई आप हर एक का काम देखो, नीयत देखो, चाहे फिर आपके शहर का गरीब में गरीब आदमी क्यों ना हो, एजुकेटेड हो, तकवे वाला हो, ईमानदार हो, कोई भी मज़हब का हो, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कीजिए। इट इज़ नॉट इट वी दिस कंट्री नीड्स दैट टुडे, आज हमें ज़रूरत है। और हम अच्छे लोगों को बुला करके उनकी इज्जत अफजाई करना भूल गए हैं, हम वी हैव फॉरगॉटन दैट। हमें लगता है कि अब हमें कोई एक मूवमेंट करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे लोग अच्छा अच्छा काम करके बेलगाम शहर में गए हमारे बीच से, यही हम ही उनको बुला के उनके घर जाके एक छोटा सा शॉल भी पहनाएंगे तो बहुत बड़ी बात है कि भाई हम जानते हैं आपने अच्छी ज़िंदगी जी है, और दूसरा आने वाले आते हुए ईद मिलादुन्नबी या रसूलल्लाह इसके मौके पे जो अमन का पैगाम फॉर द लास्ट 1400 एंड ऑड ईयर्स जो चला है, हम चाहेंगे कि वो पैगाम अच्छी तरह से लोगों को आप समझाएं, मिल जुल के रहे। सत्ता उतना ज़रूरी नहीं है जितना वतन की फिक्र ज़रूरी है, रिज़ल्ट ज़रूरी है, बहुत रिज़ल्ट ज़रूरी है। रिज़ल्ट आप कितने कामयाब हुए अपने काम में वो ज़रूरी नहीं है, आप कितने लोगों को कामयाब किए वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर ए पेट्रियट ऑफ दिस कंट्री।
आप जब भी नाम देख करके अगर कहोगे ये हमारा नहीं, वो ना मावरो है, ये हमचा है, ये वतन को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पकड़ के रखेगा जैसे कोई पीछे खींच रहा है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हर एक को जानना चाहिए कि वो कितने भी हज़ार करोड़ कमाया है, हमने देखा है सालों 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 साल, कितने भी हज़ारों करोड़ का वो मालिक हो, उसको जाना ही है, उसको जाना है, उसकी जगह और उसका अंतिम संस्कार होना ही है, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। तो ऐसे काम कीजिए कि आपको याद रखे। आपकी दौलत तो कोई दूसरा चला लेगा या चर लेगा, वो अलग बात है, वो आपके साथ जाने वाली नहीं है और किसी के काम आने वाली नहीं है। एक जुनून है आपका, वो करते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटी है। और जो ह्यूमन बीइंग है, हमें और आपको अच्छे लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो खेल खेल रहा है उनको थोड़ा बाजू हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप सही में वतन से और अपने अपने जो भी मज़हब है, आपको जो मदद सिखाता है उसकी अगर आप इज्जत करते हो, तो आई थिंक द राइट ट्रैक इज गोइंग टू बी दैट ट्रैक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब, जिन्होंने कई सारी बातें पूरे खुल कर कही, और आने वाले चुनाव में भी वो खड़े हो रहे हैं। कोशिश उनकी है कि वो फिर से दोबारा जीतने के भी उन्होंने ख्वाहिशात को जाहिर किया है। कई सारे मामले मुल्क में मजहबी तशद्दुद का हो, मदरसों का मामला हो, फिर नबी की शान में गुस्ताखी का मामला हो, और फिर मकामी सियासत, इस पर भी उन्होंने कई सारी बातें खुलकर की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से तस्वीर बदलती रहेगी, कौन हुकूमत बनाएगी, क्या कांग्रेस भाजपा आज भी चल रहा है। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार आए जहां पर अमन सुकून कायम हो, सिर्फ रियासत में नहीं बल्कि मुल्क में भाईचारा कायम हो, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।